हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सीखेंगे पैटर्न कैसे कटिंग करें। आज हम पैटर्न कटिंग करेंगे और आपको समझना है कि हम किस तरीके से पैटर्न कटिंग करते हैं। और ये पैटर्न मैं एक अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पे बना रही हूँ, क्योंकि एक सब्सक्राइबर जो मुझसे मिलना आया था, जिनका नाम प्रीति शर्मा था, वो मेरे पास आई थी। उन्होंने अपनी मदर के 3 सूट भी मेरे बुटीक पर सिलवाए हैं और 2 दफ़े वो मेरे पास मिलने के लिए आई। दोनों दफ़े उन्होंने एक बार एक सूट सिलवा के लेके गई, उनकी मम्मी को फिटिंग अच्छी आई तो फिर उन्होंने 2 सूट मुझसे और सिलवाए। और वो यहाँ नहीं रहती, लेकिन वो रहती है कश्मीर से भी बहुत आगे, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे कोई टेलर वगैरह नहीं होते इतने। 1 या 2 महीने के बाद एक टेलर आता है, वो वहाँ पर उनके उनके एरिए में, तो उन्हें कपड़े सिलवाने में वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो इसलिए सिलाई सीखना चाह रही हैं, वो मेरे पास आई थी कि मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता दो। तो मैंने उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं जो कि उनकी समझ में भी आ गई हैं, और मैंने उन्हें पैटर्न भी काट के दिए हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो हमने पैटर्न की वीडियो बनाई थी आप सब लोगों के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे चैनल पर सिलाई सीख रहे हैं, तो मैंने उन सब के लिए ही वो बनाया था कि आप सब लोगों को भी समझ में आ जाए कि पैटर्न किस तरीके से कटिंग होते हैं। मैंने उनकी मदर का जो साइज़ था और नाप था, उसका मैंने उनको पैटर्न कटिंग करके दिया है, गले का और कमीज़ का और जो है आस्तीन का। मैंने पूरा फुल पैटर्न उन्हें अपनी तरफ से गिफ्ट में दिया है, जो कि वो मेरे से मिलने आई है इसलिए, ठीक है। तो आज वो क्या हुआ कि वो वीडियो हमारी उसमें कैमरे में जो थी, वो किसी वजह से वो उसमें शूट तो हुई है, लेकिन पता नहीं किसी वजह से वो हमारी उसमें ख़राब हो गई, वो नहीं आई। तो आज मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो मैं किसी और साइज़ की बना रही हूँ, उसकी नहीं बना रही हूँ, ये मुझे किसी और को देना है पैटर्न, बस सिर्फ आपको समझना है। और ये मैं 32 साइज से बना रही हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम पैटर्न की वीडियो, पैटर्न का मतलब कटिंग कर लेते हैं, तो पैटर्न से हमें सूट काटने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और जब हम 1-2 दफ़े पहले पैटर्न कटिंग करेंगे, फिर पैटर्न से हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे, तो हमें थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाएगी कटिंग करने में और आप अच्छे से कटिंग करने लगेंगे। तो मैं आपके लिए, आप सभी सब्सक्राइबर के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको ध्यान से देखना है। और ख़ास करके जो प्रीति शर्मा है वो भी इसे ज़रूर देख लें, और उन्होंने बहुत इंतज़ार किया होगा। वो मुझसे कह के गई थी कि कल ही आपको ये वीडियो अपलोड करना है, उन्होंने मुझसे इसमें बातें भी की है और हम एक साथ बैठे हैं और चाय नाश्ता भी किया है, बहुत सारी बातें की हैं। वो हमने सारी वीडियो बनाई थी लेकिन वो डिलीट होगी, वो नहीं है। आज मैं ये नई वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको ध्यान से देखना है, जैसे इस तरह के मैंने 2 कागज़ के टुकड़े लिए हैं, ये थोड़े कड़क हैं, आप कोई भी कागज़ ले सकते हैं, अखबार पे भी कटिंग करके देख सकते हैं। तो मैंने 2 पीस लिए हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी है कि मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। और मैं इसमें यहाँ से जोड़ भी नहीं लगा सकती, अब एक पीस मैं हटा सकती हूँ और एक पीस को मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। तो मैं पहले नाप लेती हूँ कि कौन सा साइज मेरा इसमें बन जाएगा। देखो इसमें जो है मेरा 32 साइज बन जाएगा, तो मैं 32 साइज का ही आपको पैटर्न कटिंग करके दिखाऊंगी कि मेरे पास इतना चौड़ा नहीं है ये कि मैं आपको 40 साइज का या फिर 39-38 साइज बना के दिखा दूं। लेकिन यह 38 हो 40 हो 39 हो, उसमें क्या होता है, सिर्फ थोड़ा सा तीरे का और यहाँ का फ़र्क होता है, नहीं कुछ फ़र्क नहीं होता, सब इसी साइज़ से कटते हैं और तरीका तो सबका यही होता है। तो मैं 32 साइज़ की कटिंग कर रही हूँ, तो पहले मैं यहाँ से लगा ले रही हूँ 6.5 इंच तीरा और यहाँ से 6.5 इंच इस तरीके से, और इससे जो नीचे है यहाँ से लगाएंगे हम ये 7 इंच, और इंची टेप को यहाँ से हटाना नहीं है, बिल्कुल नीचे ले जाना है और यहाँ ले जाना है आपको 13 इंच पे। ये 13 इंच जो निशान होता है चाक का नॉर्मल होता है, यहाँ मुड्ढे के निशान से और नीचे तक यहाँ पर हमें 13 इंच और बीच में 7 इंच के, ये हमने 3 निशान लगाए हैं। तो इन तीनों निशानों को अब हम एक साथ मिला लेंगे, ये
ये इस तरीके से तीनों निशान हमें ये मिला लेने हैं। ये आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे, मैं और आपको पास से करके दिखा दे रही हूँ इस तरीके से। अब करना क्या है कि यहाँ पर तो लगाना है हमें चेस्ट का निशान, तो चेस्ट में हम लगा लेते हैं 8.5। तो 8.5 हमारा यहाँ पर आया, और मार्जिन के लिए हमारा बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, लेकिन आपको इतना नहीं बचाना, आपको कम से कम 1 या 1.5 इंच मार्जिन रखना है। और यहाँ पे लगाना है हमें कमर का इसका ये 7 इंच के 32 साइज में जो है, जो कमर होती है वो पतली होती है, और जैसे जैसे हमारा साइज चेस्ट का बढ़ता है उसी तरीके से हमारा कमर का भी बढ़ जाता है और हिप साइज भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम ये जो हिप साइज है इसका, हिप साइज भी इनका 8.5 ही है। अब इस साइज, इस निशान को और इस निशान को इस तरीके से मिलाना है। अब यहां से इस निशान को और इसको मिलाना है, इसको ऐसे हल्का सा क्रॉस करेंगे। आप इसे इंची टेप से भी निशान लगा सकते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का कोई निशान लगाने का ये फट्टी नहीं है तो आप इंची टेप से भी लगा सकते हैं। अब ये जो निशान है ये हमने 6.25 इंच लगाया था, तो यहाँ पर हम 5.25 इंच लगाएंगे इस तरीके से। ये यहाँ पर इस तरीके से, और इसको हल्का सा क्रॉस रखेंगे, और क्रॉस रख के ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे हल्का सा यहाँ से डाउन करेंगे, बहुत ही हल्का, ज़्यादा नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा करना है, 1-2 पॉइंट बस। अब यहाँ से जो नीचे की साइड है, नीचे की साइड हमें जितना हमारा यहाँ से हिप आया है, अब तो सीधे सीधे चाक चल रहे हैं, तो यहाँ से बिल्कुल, अगर मैंने ये 8.5 इंच का लगाया है तो आप जो घेरे का निशान लगाएंगे वो बस 9 का लगा लेंगे, 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, नहीं तो 8.5 का ही लगाना है अगर बिल्कुल सीधा रखना है। तो यहाँ से हम लगा देंगे ये हो गया हमारा दामन का निशान। तो ये निशान हमारे लग चुके हैं। अब लगाएंगे हम यहाँ से आलमोल का निशान, तो यहाँ से जो लगाएंगे हम 1 इंच पर टिक लगा लेंगे यहाँ पर ऐसे, और टिक लगाने के बाद हम यहाँ से हल्का सा इसमें सेफ देंगे। सेफ का ये ध्यान रखना है, सेफ बिल्कुल गोलाई में देना है इस तरीके से, इस तरीके से। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए। यहाँ से तो हमें ठीक है, अब यहाँ से जो है, यहाँ से मैं हल्का सा दबाव छोड़ते हुए कटिंग करूँगी ऐसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन जितना है उतना ही मैं रख ले रही हूँ। आपको इससे और थोड़ा ज़्यादा रखना है अगर आपके पास, जब कपड़े की कटिंग करेंगे या फिर आप पैटर्न की कटिंग करेंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे निशान हो गए और यहाँ पर हमारा चाक हो गया। अब जैसे ये यहाँ से है वो मैं भी कपड़े में आपको बता दूंगी, तो ये हमारा जो है आगे का पैटर्न 32 साइज का कट के बिल्कुल तैयार है। तो हम जो पीछे वाला जो हम कटिंग करेंगे, तो फिर जो दूसरा कपड़ा है हम दोबारा इसको ऐसे बिछाएंगे। अब हम जो है जो हमारी बैक है उसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से यहाँ से, तो अब जो है आपको जो बैक की कटिंग करनी है तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे और खुली साइड आप सामने की साइड रखेंगे, और इस पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और बिल्कुल मिला लेना है, थोड़ा भी आगे पीछे ना हो, इस तरीके से मिला के। ये पैटर्न अगर आपको अपनी कुर्ती का काटना है तो आप एक दिन काट लेंगे सिर्फ, बस एक बार काट के रख लेंगे, और जब भी आप कुर्ती की कटिंग करेंगे जब भी आपको ये काम आएगा। अब ऐसे करके थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच इस तरीके से इसमें हम निशान लगा देंगे। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देखो ये इस तरीके से हम इसमें निशान लगा देंगे, तो ये हमारी बैक साइड हो जाएगी। और ऐसे बिल्कुल मिलाते हुए, ऐसा ना हो कि हमारी बैक थोड़ी बड़ी कट जाए या छोटी बड़ी हो जाए, तो उसमें हमारी फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो अब यहाँ से इसको हटा देंगे, और हटाने के बाद हम कटिंग करेंगे यहाँ से। ये हमारी बैक है, और बैक की कटिंग हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और
कि हल्का सा मार्जिन है इसमें, बस थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारी बैक की कटिंग होगी, ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी, ठीक है। अब हमें जो अलमोल की जो कटिंग करनी है आस्तीन की, मुड्डे की, तो आपको यहाँ से एक बार इसको ऐसे नाप लेना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप नाप के इसमें आस्तीन की कटिंग कर लेंगे, नहीं तो अगर यहाँ से हमने 7.5 8 लगाया तो 7.5 इंच का इसमें मुड्डा आएगा। तो हम 7.5 इंच की यहाँ आस्तीन कटिंग करेंगे। पहला आपको कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है, ये मैं एक आस्तीन की जो है पैटर्न कटिंग कर रही हूँ, एक से ही दोनों आस्तीन कट जाएगी, 4 तय करके कपड़े की, और इस तरीके से रख के आप कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है ऐसे, और यहाँ से आप 7.5 इंच देख लेंगे कि आपका 7.5 इंच कहाँ आ रहा है। तो 7.5 इंच हमारा है यहाँ पर। आस्तीन की लेंथ देख लेंगे आप कितनी करेंगे, जैसे कि मैं इसमें आस्तीन की लेंथ कर रही हूँ 17 इंच, तो 17 पे एक टिक लगा लेंगे। और टिक लगाने के बाद आप यहाँ से एक बिल्कुल एक सीधा निशान लगा लेंगे ऐसे। अब जो है यहाँ से 3 इंच छोड़ते हुए 3 इंच से हल्के सा ऐसे राउंड शेप देंगे इसमें, इस तरीके से। अब यहाँ से जितनी भी आपको मोहरी रखनी है, मैं मोहरी रखूंगी इसमें 5 इंच, तो 5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा दूंगी। 5 इंच से मुझे थोड़ी कम रखनी है, 4.5 इंच। और यहाँ से अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं, एक यहाँ पे रखो और यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से। अब यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, हल्का सा शेप दोबारा देंगे हम ऐसे। एक बार में अच्छा नहीं आया तो दोबारा में हम इसमें अच्छे से शेप दे लेंगे। और यहाँ से देने के बाद 1 1 इंच 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे। आस्तीन में भी आपको इस तरीके से ही मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पे सिलाई का है ये, यहाँ पे एक कट लगा देंगे इस तरीके से, एक कट यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी आस्तीन भी कट चुकी है। अब यहाँ से जो देंगे हम गहराई देंगे एक साइड से, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है आस्तीन कटिंग करना, तो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, डली हुई है। अब यहाँ से इसमें हल्का सा यहाँ से शेप दे देंगे, जहाँ ये बीच का सेंटर होता है बस यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारी आस्तीन भी कट गई है, और बैक और फ्रंट भी कट गया। अभी मैं आपको गला भी कटिंग करके बता दूंगी कि गला कैसे कटिंग करेंगे। पहले हम बैक गला कटिंग करेंगे। तो बैक गला जो है हम कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद जितना भी आपको यहाँ से रखना है, नॉर्मल जो मीडियम होता है वो होता है 1.25 इंच, फिर होता है 2.5 इंच, लास्ट 3 इंच, उसके बाद 3.25 इंच। इससे फालतू नहीं रखना ऊपर से, नहीं तो बहुत चौड़ा हो जाएगा। 3.25 इंच 3.5 इंच तक का चल जाएगा, वो जो हैवी औरतें होती हैं, वो जिनकी गर्दन भारी होती है उनके लिए। तो अब यहाँ से हम लगाएंगे इसमें नॉर्मल 2.5 इंच, तो 2.5 इंच का निशान ऐसे लगाएंगे इस तरीके से। और जो नीचे की साइड में लगा रही हूँ, ये इसकी जो गहराई कर रही हूँ मैं इसकी 6 इंच, यहाँ से 6 इंच। और 6 इंच पे एक इस तरीके से सीधी एक लाइन बना लेंगे ऐसे, और एक जो है एक लाइन ऐसे बना लेंगे इस तरीके से ऐसे। तो एक निशान ऐसे लगा लिया, और एक ऐसे एक बिल्कुल चकोर डिब्बी की तरह हमने ये कर लिया है। अब आपको करना क्या है कि एक यहाँ से अंदर की साइड से 1 इंच आपको यहाँ पर टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद आपको इस तरीके से इसमें गोलाई देनी है, इस तरीके से आपको अंदर की साइड से ही यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। ये बैक गला है हमारा। आप इसे अगर आगे के दामन में भी लगाना चाहे तो उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो बुकरम के ही गले पहनती हैं, तो इसलिए मैं आपको पीछे का गला भी कटिंग करना बता रही हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा जो है बैक गला कट के बिल्कुल तैयार है। और अगर कोई लेडी 6 इंच का पहनती है तो इसे आगे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बीच के साइड में अगर हल्का सा इसमें यहाँ से ऐसे, तो आप इसमें हल्का सा इस तरीके से तो ये हमारा गोल गला कटिंग हो गया।
अब हम करेंगे आगे के गले की कटिंग। तो आगे के गले की कटिंग भी कुछ हम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे 7.25 इंच का, आधा इंच मार्जिन में जाएगा तो ये 7 इंच हमारा बिल्कुल तैयार रह जाएगा। तो यहाँ पर भी नीचे की साइड भी 2.5 इंच लगाएंगे और 2.5 इंच लगा के बिल्कुल उसी तरह तरीके से जिस तरीके से हमने बैक गले की कटिंग करी है इसी तरीके से हम ये वाली कटिंग भी करेंगे। अब आप इसके अंदर कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं इसमें इस तरीके से मैं कुछ इस तरीके का इसमें शेप दूंगी इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमने ये इस तरीके से इसमें कटिंग कर ली है और इस गले को हमने आगे के फ्रंट के लिए तैयार कर लिया है। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, वो आपके पसंद के ऊपर बात है कि आप किस तरीके का गला कटिंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम अंदर की साइड से और इसको गहरा कर लेते हैं इस तरीके से। जब तक आपके गले की फिटिंग और कटिंग अच्छी ना बैठ जाए तो दोबारा कटिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बाहर की तरफ से भी इस तरीके से इसकी अच्छे से सेटिंग करेंगे। एक बार पैटर्न कटिंग करके रख लो तो आपको जो है कटिंग करना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान लगेगा अगर आपको पैटर्न से कटिंग करना है। पर ये ध्यान रखना है कि हमेशा के लिए आपको पैटर्न से नहीं सिलाई सीखनी है। ये तो जो हमारी वो जो प्रीति शर्मा आई थी उनकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप जो है सामने का भी गला कटिंग कर सकते हैं। तो गला और ये सब चीज़ें मेरी कट के बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं, देखो, और बहुत ही आसान है। अगर आपको ये मैं कपड़े पर कटिंग करके बताऊं कि कपड़े पर रखे किस तरीके से कटिंग करना है, तो अगर आपको इस तरह से भी सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, तभी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटी का निशान है उसे भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको कहीं ढूंढनी ना पड़े और आप घर बैठे सिलाई सीख सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।